आजमगढ़ नगर के बवाली मोड़ पर एक मारुति कार में पुलिस और इमरजेंसी वाहनों पर लगाई जाने वाली लाल नीली बत्ती, पुलिस की टोपी आदि सामान बरामद हुआ है। इस संबंध में पुलिस ने वाहन का चालान कर जहां जुर्माना लगाया है, वहीं पुलिस की टोपी बरामद होने के मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं। नगर के बवाली मोड़ पर TSI प्रतिदिन की तरह यातायात नियमों का पालन कराने के लिए अपने हमराहियों के साथ खड़े थे। इसी दौरान एक मारुति कार पर पुलिस के लाल और नीले रंग की स्टिकर में क्राइम इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, नेशनल एंटी क्राइम ब्यूरो लिखी कार को पकड़ा गया। कार के डैशबोर्ड पर ठंडी में लगाई जाने वाली पुलिस की टोपी, पुलिस या इमरजेंसी वाहनों में लगाए जाने वाले लाल नीली लाइटों को बरामद किया गया। TSI ने इसकी सूचना अधिकारियों को भी दी है और मौके पर MB एक्ट की धाराओं में वाहन का चालान किया गया है। वही SP City ने बताया है, चेक इन के दौरान वाहन से लाल नीली बत्तियां मिली हैं। इस संबंध में वाहन का चालान किया गया है। ठंड में लगाए जाने वाले पुलिस की एक टोपी भी मिली है। इस संबंध में कार में बैठे व्यक्ति ने बताया कि उसके भाई पुलिस में है और उन्हीं की टोपी है। इस संबंध में जांच की जा रही है। एक गाड़ी पर सामने की तरफ जो लाल नीली लाइट लगा लेते हैं अपने रेडिएटर के ऊपर, वो लगा हुआ था गाड़ी पर। TSI के द्वारा इनकी चेकिंग करेगी और विभिन्न सेक्शंस मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत इनके विरुद्ध कार्रवाई करेगी। सर, उसमें पुलिस का टोपी भी मिला है, लोगों भी था उसमें? अब उनके उन्होंने बताया कि उनका भाई उसमें पुलिस ने है, तो उसका टोपी वहाँ पड़ा हुआ था जो सर्दी वाला टोपी था। तो इसकी जांच इंस्पेक्टर साहब कर रहे हैं और जांच के उपरांत अगर कोई दोष पाया जाएगा तो फिर इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। CIB इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।